अरे बिटवा उठ जाओ, सवेरा हो गया है। अरे बुढ़िया तो अब सपने में भी सोने नहीं दे रही है। क्या बोला? अरे ग्रानी थोड़ा देर तक तो सोने दिया करो। अरे बिटवा उठ जाओ, कल बहुत खास दिन है। खास दिन? ग्रानी कल हम लोग हेलीकॉप्टर की सवारी करने जाने वाले हैं। अरे नहीं बुढ़बा, तो कल मेरा बर्थडे है। अरे वाह ग्रानी, आप कितने साल की हो गई हो? धत, लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते। अरे ग्रानी आपकी टांगे तो कवर में लटकी हुई हैं। That's right, लड़कियों की एज नहीं पूछते। बेटवा तुझे सबको बोलना है कि ग्रानी को सरप्राइज बर्थडे पार्टी दो। लेकिन ग्रानी कल पार्टी हो रही है तो ये सरप्राइज कैसे रहा? आपको तो पहले से पता है। ये तुझे पता कि मुझे पता है, लेकिन उनको नहीं पता कि मुझे पता है। ग्रानी काम हो जाएगा। गुड गुड वेरी गुड। और बर्थडे में एक स्पेशल डिश भी होगी। अरे वाह ग्रानी, वो स्पेशल डिश क्या है? कल तक का वेट कर, तुझे खुद पता लग जाएगा। अरे वाह स्पेशल डिश, हैप्पी बर्थडे ग्रानी। अरे वाह ग्रानी, ये ट्विंस की मूवी तो बड़ी कमाल है। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। लो ग्रैंडपा आ गए, अभी इनसे पूछता हूँ। ग्रैंडपा आपको पता है कि कल कौन सा खास दिन है? हाँ याद है ना, कल मुझे कब्रिस्तान के डॉक्टर को अपने घुटने दिखाने जाना है, चलने में प्रॉब्लम होती है ना। ग्रैनी मुझे नहीं लगता इस बुढ़ऊ को आपका बर्थडे याद है। क्या? मेरा मतलब है कि ग्रैंडपा को आपका बर्थडे याद है, भूल गए हैं। नहीं नहीं बेटुआ, मेरा बाबू कभी नहीं भूल सकता। अच्छा मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? ब्यूटी पार्लर। पार्टी में और भूतिया चुड़ैलें भी तो आ रही हैं। मुझे उन सबसे सुंदर और सेक्सी दिखना है। आखिर मैं बर्थडे गर्ल जो हूँ। और बेटुआ मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट क्यों? बेटा तुझे गेम में डंडे मार मार के मेरे कंधे दर्द हो गए हैं, तो मैनिक्योर पेडिक्योर के साथ साथ थोड़ा बॉडी मसाज करवा कर भी आऊंगी। वो क्या है ग्रैनी की आपकी मार खा खा के मेरी भी बॉडी अकड़ गई है, मैं भी मसाज कराने चलूं क्या? नहीं नहीं, तू घर पे रहकर डिनर का इंतजाम कर। वैसे ग्रैनी डिनर में क्या बनाना है? मेंढक पकड़ के लाई थी तो बॉइल्ड मेंढक बना देना। कल पार्टी है ना, तो आज कुछ हल्का खाते हैं। अच्छा बिटवा तो मैं चलती हूँ। बाय ग्रैनी। बाय बाय। चलो बुढ़िया बाहर गई है, थोड़ी देर सोने को तो मिलेगा। स्वीट हार्ट, बिटवा जल्दी आओ, डिनर कर लेते हैं। आया स्वीटी। आ गया हाथ धोकर मेंढक। अरे ग्रैनी मेरे तो बॉइल्ड मेंढक बनाए थे, ये बासी चमगादड़ यहाँ क्या कर रहा है? Oh, no. बेटा बुढ़ऊ को इतने पसंद आए कि तेरे से के भी चट कर गया। बने ही इतने टेस्टी थे। अरे कल बहुत बिजी दिन है, स्पाइडर बेबी के लिए डायपर लेने भी जाना है। अरे ग्रैंडपा आपको सच में याद नहीं कल कौन सा खास दिन है? अरे लगता है चड्डी में ही निकल गई। अरे कितनी बार बोला है, जैसे ही आती है हागने भाग जाकर, सुनता ही नहीं। कितनी जहरीली गैस छोड़ी है बुढ़ऊ, जब हजम नहीं होता तो खाता क्यों है? तुझे क्या लगता है ये भूल गया क्या? ग्रानी ग्रैंडपा तो आपका बर्थडे भूल गए हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, इसे कीड़े पड़े। अगर ये भूल गया ना तो अगले दिन इसकी कब्र खुदवा दूंगी। ठीक है ग्रैनी याद दिला दूंगा, आप टेंशन मत लो और खुश हो जाओ, कल आपका बर्थडे है ना, आपको एकदम झकास भी तो दिखना है। हाँ बिटुआ। वैसे ग्रैनी उस स्पेशल डिश में क्या है? उस स्पेशल डिश में क्या है उसका कल तक इंतजार कर। ग्रैंडपा स्पाइडर बेबी, मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि ग्रैनी का ना कल बर्थडे है और हमें ना उन्हें सरप्राइज पार्टी देनी है। अरे बिटुआ मुझे तो पहले से ही याद था। है? आपको उनका बर्थडे याद था? मुझे लगा भूल गए होंगे। एक बार भूला था, क्या बताऊं बिटुआ, तेरी ग्रैनी ने डंडे से ऐसी धुलाई की थी कि उसके बाद से उसके बर्थडे कभी नहीं भूला। मुझे लगा था उस बुढ़िया के डंडे से सिर्फ मैंने मार खाई है, ये बुढ़ाऊ भी लपेटे में आ गया है। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो ग्रैंडपा स्पाइडर बेबी, कि हमें ना उनको एकदम मस्त धमाकेदार एकदम झटक पार्टी देनी है, तो अच्छी सी डेकोरेशन, मस्त खाना और बहुत सारे गेस्टों को बुलाना होगा, तो सब कुछ एकदम सरप्राइज रहना चाहिए, ग्रैनी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ओके ठीक है, ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। लेकिन मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर बताऊंगा। हाँ
स्पाइडर बेबी तुम मुझे डेकोरेशन में मदद करोगे और ग्रैंडपा आप मुझे खाने में मदद करोगे। ओके। तब तक मैं डीजे का प्रबंध करके आता हूँ। हाँ, वेयर्स द पार्टी टुमारो इन द ग्रैनीज हाउस। मैंने बुढ़ऊ को कहा था हैप्पी बर्थडे वाले गुब्बारे लेकर आना, लव वाले लेकर आ गया है। क्या पता ग्रैनी को अपनी तरफ से लव यू बोलना चाहता हो। अरे स्पाइडर बेबी जरा वो डेकोरेशन का सामान पकड़ा। मैं कोई काम नहीं करने वाला, ग्रैनी ने काम के लिए तुमको रखा हुआ है। नो। इनको डेकोरेशन चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। सुन बिटुआ। हाँ ग्रैनी। डीजे का इंतजाम हुआ? हाँ ग्रैनी, डीजे का इंतजाम हो गया है। और आपको पता है मैंने कब्रिस्तान के सबसे नंबर वन डांसर्स को बुलाया है, जर्जरी फुरपुरी को। अरे नहीं नहीं उनको मत बुलाना। क्यों? दोनों पिछली बार भी पार्टी में आई थी, तेरे ग्रैंडपा के साथ कोजी होने की कोशिश कर रही थी। हाँ तो ठीक है फिर शर्मिली और कटीली को बुला देते हैं, एकदम कड़क नाचती है, मैंने उनका डांस देखा है, मजा आ गया था। ठीक है फिर इन दोनों को ही बुला ले। वैसे ग्रैनी गेस्ट को इनवाइट कर लिया क्या? मैंने अपनी प्यारी फ्रेंड्स भूतनिया चुड़ैलों डायनो और भटकती आत्माओं को कॉल कर दिया है, बाकियों को तो इनवाइट कर दे। हाँ ठीक है, बाकी लोगों को मैं फोन कर देता हूँ। वैसे ग्रैनी उस स्पेशल डिश में क्या है? अरे बेसब्र है, थोड़ा सब्र तो कर, कल बताऊंगी। अरे हेलो सलेंड्रीना दीदी, कैसी हो? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू कैसा है रे छुटुआ? आपको पता है कल क्या है? क्या? अरे कल ग्रैनी का बर्थडे है तो हम उनको सरप्राइज पार्टी दे रहे हैं। अरे कब्र में जाने की उम्र में बुढ़िया बर्थडे बना रही है। ठीक है आ जाऊंगी। अच्छा सुनो, ग्रैनी के लिए ना कुछ गिफ्ट ले आना। वो क्या है आपको तो पता है ना, उनको गुस्सा आ जाता तो कभी भी पीट देती है, तो कुछ ले आना। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड को ऊपर कब्र से उतारना होगा ताकि मैं भी उसके साथ एंजॉय कर सकूं। ओके बाय। हाँ ट्विंस कैसे हो? बढ़िया है, तुम बताओ। हाँ कल ना ग्रैनी का बर्थडे है, सरप्राइज पार्टी दे रहे हैं उनको, तो ना तुम लोग आ जाना। हाँ ठीक है आ जाएंगे। और हाँ गिफ्ट लाना मत भूलना। हाँ ओके डन। ओके चलो बाय। ग्रैनी पार्टी के मेन्यू में क्या रहेगा? बेटा स्टार्टर में होंगे तली हुई छिपकली, क्रिस्पी कॉकरोच, बेक्ड टिड्डे, उबले हुए केंचुए, चटपटे मेंढक और डीप फ्राइड चमगादड़। और मेन कोर्स में? मेन कोर्स में होगा भरवा क्रोकोडाइल। बेस्ट है ग्रैनी। अच्छा ग्रैनी हम लोग ड्रिंक्स में क्या सर्व करेंगे? ड्रिंक्स में होगा भेड़िए का ताजा खून। वैसे ग्रैनी आपको नहीं लगता कि ये कपड़े बर्थडे के हिसाब से काफी फीके हो गए हैं? आपको कुछ कलरफुल पहनना चाहिए। ना ना बिटवा, जब मैं कुछ कलरफुल पहनूंगा तो मुझे नजर लग जाओ है। इस लोमड़ी जैसी शक्ल वाली औरत को भी नजर लगती है। अरे वाह क्या बोला? नहीं कुछ नहीं, मैंने डिस्कस कर रहा था, मैंने डिस्कस। चल अब जा बर्थडे की तैयारियों में जुट जा। वैसे ग्रैनी उस स्पेशल डिश में क्या है? बोला ना कल पता चल जाएगा, जस्ट वेट। आई कांट वेट। अरे वेटर बेटा जरा ड्रिंक तो दे। आया लीजिए। मैंने इस पूरी पार्टी की अरेंजमेंट की, डेकोरेशन की, खाना बनाया और इस ग्रैनी ने मुझे वेटर बना दिया है। मना भी नहीं कर सकता, वरना मार मार के मुझे भरता बना देगी। हमारे लिए फ्राइड टिड्डे और क्रिस्पी कॉकरोच लेकर आओ, मेरे लिए और सलेंड्रीना के लिए उबले हुए केंचुए। अभी लाया। इतनी सुंदर सुंदर भूतनी आई है, चुड़ियाले आई है, इनके साथ एंजॉय भी नहीं कर सकता। ये आखिरी ड्रिंक पड़ा है, पी लेता हूँ वरना पीना नसीब भी नहीं होगा। वैसे टेस्टी हो रहा है। अरे बिटवा। आया ग्रैनी। जल्दी केक लेकर आ। Thanks everyone for coming to my birthday party. अरे डार्लिंग जल्दी केक काटो, मेरा पेट डगमगा रहा है। ग्रैनी सारे लोग यहाँ पर हैं। अब तो बता दो स्पेशल डिश में क्या है? बेटवा वो स्पेशल डिश है तू। क्या? स्पेशल डिश में हम तुझे खाएंगे। Oh no!
हाय गाइस, आई होप आपको ग्रैनी और ग्रैंडपा का कॉमेडी तड़का देखकर मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ग्रैनी के धमाकेदार बर्थडे पार्टी में आकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।